Hello, are you aspiring to be a doctor and you have a dream to study in the best university, the top ranking universities, ranking higher than any universities in India? I know the answer is yes. So here is a hack for you. चलिए जानते हैं इस वीडियो में वो 10 कारण जिसकी वजह से इजिप्ट बन चुका है बच्चों की फेवरेट चॉइस और फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर डूइंग एमबीबीएस अब्रॉड. रीजन नंबर वन, हाईएस्ट सक्सेस रेशो इन यूएसएमएली एंड प्लैब. अगर कोई भी स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट यानी कि एमबीबीएस करने के बाद अपनी रेजिडेंसी यूएस या यूके से करना चाहता है तो वहां के लिए उनको एक लाइसेंसिंग एग्जाम पास करना पड़ता है. इन लाइसेंसिंग एग्जाम्स का नाम है यूएसएमएली और प्लैब यानी कि यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम. ईसीएफएमजी यानी कि एजुकेशनल मेडिकल कमीशन फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स की जो साइट है उस पर टॉप 10 कंट्रीज की लिस्ट दी गई है जिनको J1 वीजा मिलता है. उसमें इजिप्ट 7th नंबर पर है जो कि बहुत अच्छा है. टॉप 10 कंट्रीज में रशिया, चाइना, यूक्रेन, फिलीपींस और कोई भी दूसरा कंट्री नहीं आता है. जो भी डेस्टिनेशंस हैं इंडिया में जो पॉपुलर हैं एमबीबीएस अब्रॉड के लिए उनमें से एक भी डेस्टिनेशन इस लिस्ट में नहीं आता है. तो अगर आप अपनी रेजिडेंसी यूएस और यूके से करना चाहते हैं तो अनडाउटेडली इजिप्ट नंबर वन ऑप्शन है क्योंकि यूएसएमएली और प्लैब में इजिप्ट का सक्सेस रेशो 70% से भी ज्यादा है. इसका मतलब यह हुआ कि हर 4 में से 3 स्टूडेंट्स या तो यूएसएमएली या प्लैब क्वालिफाई कर पाते हैं. रीजन नंबर 2, टॉप रैंकिंग वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज. तो जैसा मैंने आपसे शुरू में कहा था, अगर आपका सपना वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का है तो इजिप्ट आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है क्योंकि यहां की यूनिवर्सिटीज इंडिया की किसी भी अच्छे से अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटीज से रैंकिंग में कम से कम 200 रैंक ऊपर है. ये बात मैं कोई मनगढ़ंत नहीं कर रहा हूं, आपके सामने मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स शेयर कर रहा हूं, आप खुद गूगल पर जाकर चेक कर सकते हैं. CWUR रैंकिंग, शंघाई रैंकिंग या और किसी भी दूसरी वर्ल्ड रैंकिंग को, तो आपको पता चलेगा कि कायरो यूनिवर्सिटी, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, एन शेम्स, अलेक्जेंड्रिया जैसी यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड रैंकिंग में बहुत ही हायर पोजीशंस पर हैं. रीजन नंबर 3, 90% सक्सेस रेशो इन मिडिल ईस्ट लाइसेंसिंग एग्जाम. तो जो स्टूडेंट्स आगे जाकर मिडिल ईस्ट या अरेबिक कंट्रीज में जाकर जॉब्स करना चाहते हैं उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. बिलीव मी, हर 10 में से 9 बच्चे मिडिल ईस्ट के लाइसेंसिंग एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाते हैं और बड़े आराम से अगर वो चाहते हैं दुबई, आबू धाबी या और किसी कंट्री में डॉक्टर की जॉब करने का तो ये ऑप्शंस उनके लिए खुल जाते हैं. रीजन नंबर 4, डायरेक्ट जॉब इन सऊदी अरेबिया. जो भी स्टूडेंट्स इजिप्ट से अपना अंडर ग्रेजुएट कोर्स करते हैं, क्योंकि इजिप्ट अफ्रीका और मिडिल ईस्ट का एजुकेशनल हब है तो उनको डायरेक्ट जॉब ऑप्शंस मिलते हैं सऊदी अरेबिया में. तो जो स्टूडेंट्स अपना करियर आगे जाके सऊदी अरेबिया में बनाना चाहते हैं उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. रीजन नंबर 5, पीजी ऑप्शन इन जर्मनी. दोस्तों, स्टूडेंट्स जो इंडिया से एमबीबीएस करते हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है पीजी में एडमिशन मिलना, क्योंकि नीट पीजी फिर से एक बहुत बड़े डिफिकल्टी लेवल पर सेट होता है. तो स्टूडेंट्स जनरली पीजी करने के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं. अगर आपको बहुत सारे ऑप्शंस चाहिए पीजी करने के लिए तो जैसा मैंने आपको बताया, आप यूएसएमएली क्लियर करके, प्लैब क्लियर करके यूएस और यूके से अपनी पीजी भी कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और साथ में आपको स्टाइपेंड भी मिलता है. ठीक उसी तरीके से जर्मनी में एजुकेशन पूरी तरीके से फ्री होती है, लेकिन उसके लिए आपको जर्मन लैंग्वेज आना जरूरी है. और क्योंकि इजिप्ट की स्ट्रेटेजिक लोकेशन मेडिटेरेनियन सी के बिल्कुल नजदीक है और अक्रॉस द मेडिटेरेनियन सी पूरा यूरोप है, तो वहां आपको जर्मन लैंग्वेज और फ्रेंच लैंग्वेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है. अगर आप वो लैंग्वेज का A1, A2, B1, B2 लेवल क्लियर कर लेते हो तो C1, C2 लेवल का आपको एग्जेम्पशन मिलता है और आप डायरेक्ट जाकर पीजी कर सकते हैं जर्मनी में. इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास पीजी करने के इंडिया के अलावा 3 ऑप्शंस हो गए, वो भी दुनिया के बेहतरीन कंट्रीज यूएस, यूके और जर्मनी.
बहुत सारे भ्रामक वीडियोस और कंसल्टेंट्स की गलत जानकारियों से बचने के लिए हमने आपके लिए एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है डॉक्टर डब्ल्यू यूसुफ, जो कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड एचआर इजिप्ट हैं उनके साथ। वो वीडियो आप इस लिंक पर जाकर देख सकते हैं जिसमें आपको बिल्कुल ओरिजिनल और रियल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसलिए किसी भी भ्रामक वीडियो को देखकर अपने आप को कंफ्यूज ना होने दें, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके साथ और रोचक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहें। और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दें ताकि उसके नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। रीजन नंबर 6, नो कंपल्शन फॉर एक्स्ट्रा लैंग्वेज। दोस्तों ये बात तो आप सभी जानते हो कि अगर आप इंडिया से किसी भी दूसरे कंट्री में स्टडी करने के लिए जाते हो, जैसे कि रशिया, कजाकिस्तान, यूक्रेन, चाइना, तो किसी भी कंट्री में आपको एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है वो ना सिर्फ सीखनी पड़ती है बल्कि उसका एग्जाम भी पास करना पड़ता है। इजिप्ट का एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहाँ पर आपको कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है, पूरी स्टडीज इंग्लिश मीडियम में होती है। और आपको अगर लोकल लैंग्वेज सीखनी भी है तो वो आप सिर्फ इसलिए सीख रहे हो कि आपको लोकल लोगों से बातचीत करने में तकलीफ ना हो, लेकिन आपको कोई भी एग्जाम इसके लिए पास नहीं करना पड़ता और यूनिवर्सिटी में ये लैंग्वेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाती है। रीजन नंबर 7, स्टडी मेडिकल सब्जेक्ट्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। यहां पर आपको एक बहुत बड़ा फर्क नजर आएगा दोस्तों। आपको भी मालूम है, आप जब भी किसी दूसरे कंट्री में पढ़ने के लिए जाते हो तो उन कंट्रीज में जनरली मेडिकल की पढ़ाई या तो थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर से शुरू होती है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में वहाँ का लोकल ट्रेडिशन और लैंग्वेज सिखाया जाता है। इजिप्ट का एक बहुत बड़ा फायदा है, आप पहले दिन जब वहाँ पर पढ़ना शुरू करोगे सीधे आपको मेडिकल के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, तो आप एक साल वहाँ के लोकल ट्रेडिशन और लैंग्वेज सीखने में वेस्ट नहीं करते हैं एंड यू डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। रीजन नंबर 8, सेम टेम्परेचर एंड डिजीज पैटर्न। इंडिया से बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग डेस्टिनेशंस पे पढ़ाई करने जाते हैं, जैसे चाइना, रशिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान फेवरेट डेस्टिनेशंस हैं। और अब सब जानते हैं कि ये सभी कंट्रीज बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं और इसलिए उनके डिजीज पैटर्न्स भी अलग होते हैं। हमें सबसे बड़ा फायदा इजिप्ट में ये मिलता है कि वहाँ का टेम्परेचर 10 डिग्री से लेकर 43 डिग्री के बीच में बिल्कुल इंडिया की तरह रहता है, जिसकी वजह से वहाँ का जो डिजीज पैटर्न है वो भी इंडिया की तरह ही है। आप वहाँ जो कुछ भी सीखेंगे, जिस तरह की बीमारियों को देखेंगे, वो एक्सपीरियंस आपको इंडिया में भी काम आने वाला है। रीजन नंबर 9, एक्सपोजर टू बॉडीज एंड कैडेवर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर। दोस्तों ये बहुत रेयर है कि किसी भी कंट्री में किसी स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर में कैडेवर, डिजिटल बॉडीज और बॉडीज से एक्सपोज किया जाए। इजिप्ट में आपको सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको वहाँ फर्स्ट ईयर में ये सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, आप कैडेवर देख पाते हैं, आप डिजिटल बॉडीज देख पाते हैं, और इसकी वजह से आपका जो एक्सपोजर होता है एनाटॉमी में वो बहुत एडवांस लेवल पर हो जाता है और आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हो अपने सब्जेक्ट में। रीजन नंबर 10, इंटर्नशिप एंड क्लिनिकल रोटेशन। बहुत कम स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशंस ऐसे हैं जहां पर इंटर्नशिप्स होती हैं और वो इंडिया में वैलिड है, लेकिन इजिप्ट की इंटर्नशिप इंडिया में वैलिड है। दूसरी बात, क्लिनिकल रोटेशन और इंटर्नशिप के दौरान बहुत ही कम कंट्रीज में स्टूडेंट को डायरेक्ट पेशेंट के साथ एक्सपोज होने का मौका मिलता है। स्टूडेंट सिर्फ ऑब्जर्व कर सकता है, इसलिए हम उसको ऑब्जर्वेशन इंटर्नशिप कहते हैं, लेकिन इजिप्ट में आप इंटरेक्ट कर सकते हो पेशेंट के साथ, इससे आपका एक्सपोजर बेहतर होता है और आप एक अच्छे डॉक्टर बनने की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। इजिप्ट का पूरा एडमिशन प्रोसेस मिनिस्ट्री और एम्बेसी करती है, इसलिए आपको पहले दिन ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। दूसरे कंट्रीज की तरह आपको कोई भी कंसल्टेंट या कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन लेटर इशू नहीं कर सकता है। यह आपके लिए सेफ्टी के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा
पॉइंट है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी आपको बिना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के एडमिशन लेटर ना इशू करे। बहुत सारे कंसल्टेंट इजिप्ट के नाम पे बच्चों को मिसगाइड करते हैं जिनके पास सही फी स्ट्रक्चर्स नहीं होते और उनको सही प्रोसेस भी नहीं पता होता। तो आप हमेशा एक ऑथेंटिकेटेड और एक जेन्युइन कंसल्टेंट से ही कंसल्ट करें। स्टूडेंट्स के सपोर्ट के लिए सभी जेन्युइन कंसल्टेंट्स हमेशा तैयार हैं। आप सभी के इंफॉर्मेशन के लिए मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसमें फूड और हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में बताया गया है, वो वीडियो आप इस लिंक पर जाकर देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो की इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत रेलेवेंट और यूजफुल होगी। आगे भी हमारे वीडियोज के साथ हमसे जुड़े रहिए, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।